أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کے صلوات پڑھو محمد دی ذات تے الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ تو سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بانی شریعت دی ذات تے باواز بلند صلوات الذی قیل فی شانہی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين نعرہِ حیدری آئی دی مجلس دے ابتدا اپنی زبانی نہیں کسے دنیا دار بندے دی زبانی نہیں آئی دی مجلس دے ابتدا اے حدیث رسول سکلائن الحسین منی و انا من الحسین اس علاقے والے آؤں جتنے میرے جوان بیٹھے ہو میں مسافر دی دعا نے اکبر دی جتی دا صدقہ جوانی امان اللہ بانیان مجلس حاضرین مجلس جتنے مومنین مومنات سنی یشی آج دربار چاہیو بہت بڑی دعا پہ منگدا حسین دی مات تھن کسے دا محتاج نک میں سمیت تسا جیو تھوڑے بچڑے جیو اللہ اس نگری نو آباد رکھے اللہ دھرتے نوں سلامت رکھے بڑے دانا اور سلجوئے چہرے میرے سامنے میرا پڑھن تے دل ہیج تھوڑا سنن تے ہوئے با اتنی گزارش ہے کہ جس جس بندے نوں رب علی زبان عطا کیتی وہ بندہ سر نہ ہلاوے زبان نہ بولے یا جس جس بندے نوں رب علی زبان عطا کیتی وہ بندہ سر نہ ہلاوے زبان نہ بولے اگر کوئی شکوہ ہے تے جعفر تیار تے ہو سکتا ہے توحید تے کوئی شکوہ ہے ملک ملک نعرہ حیدری اللہ پاک زبان دیتیاں بندہ سونا لگ دے شہنشاہ دے ذکر چ بلیندا ہاں سچیاں دا ذکر ہے تے غازی دا پارا ہے جیڑا بندہ نہیں بول سکدا حضرت میسے میں تے مار کولو زبان ادھاری منگے علی دا ذکر چ بولے یا علی عظیم مجمعیں سل جو چہرے میرے سامنے
त्रै करोड़ की कोठी होवे ना त्रै करोड़ की ते उत्ते गाजी दा अलम न होवे टक्के भन्ने दी नहीं। अकीदा है ना जी, अगर अकीदा नहीं जरा जमीन ते बैठे इसका ना ही अकीदा है, ये अकीदे की वजह जमीन ते बैठे। त्रै करोड़ की कोठी होवे ते गाजी दा आलम उत्ते न लगो होवे न दिल करें दे वेखण का ते कीमत उदी टक्के बने दी। जुगी होवे कखां दी उत्ते गाजी दा आलम होवे मां पुत्र ही नहीं जाया गड्डी तो लै के उस जुगी दा सलाम न कर। बवजा हुसैन इबन अली, बवजा हजरत अब्बास इबन अली। आलम दी शनाख्त क्या है? फरेरा उत्ते पंजा, ठीक। फरेरे तो पता लगता जो शहनशाह दा आलम है। ये जेड़ा पंजा नसब है हर आलम ते इसका कोई मकसद है लेकिन दस्या किसने? मेरा दिल चाहता मैं तुम दसा। तुहाडे बचड़े जीवन तुसा आप जियो पंजे का मकसद क्या है? बेकदरिया लोग नहीं पे पढ़ता। कहते हैं आजादार से अब्बास बहादुर, सिर्फ आजादार कुछ मांग के अब्बास सखावत पे तुला है। तुहाडे बच्चे जीवन या अली माशा। अच्छा बंदा एक बारी मंगे ना जी किस कोलो, दो बारी मंगे, तीज बारी आख सो यार मैंने जिठे कोई होर दे किदा मुंह कर इंजन नहीं। हर बंदे दी नफसियात मेरी भी तुहाडी सारे दी जी। दो मेरे पास वेखना जी जल्दी है भाई जी। एक अल्लाह दी जात है वो आदे जितनी मेरी मंग मैं दे सी ते या वाते आलमदार करबला है। तुहाडे बच्चे जीवन तुस आप जियो आजादारा नू हजरत अब्बास फरमाते कि मंग मोमना दिन शहनशाह तुसा दिता ही इतना है कमी कोई नहीं। फरमाते ने मैं जो प्या दा कुछ मांग जिदा बार बार बादशाह फरमाते ना कुछ मंग आदे मौला बार बार मंगदे हाँ शर्म आती तुसा कमी को नहीं छोड़ी। फरमाते ने मैं जो प्या दा मंग उस उन्हें आखिया जी वत एक शर्त है मंगण की सन कोई 24 घंटे चो मखसूस वक्त दसो जदा फैज द दरिया लहर च होवे ते असी मंग लईए। क्या बात है तुसा वेखो ना यार सारे पढ़े लिखे बंदे बैठे हो मलंगे दुनिया का पता नहीं लेकिन अली का पता है। ये मौजा बादशाह का वेखो मालकान का मौजा वेखो कि दुनिया का नहीं पता हक दे इमाम का पता है। मौला कोई 24 घंटे चू ऐसा वक्त दसो जिसले फैज द दरिया लहर च होवे ते असी मंग लईए। मौला कोई वक्त दसो अली रजा रियायत नहीं इंसाफ। मौला कोई वक्त दसो 24 घंटे शहनशाह फरमाते खामोश असा वक्त दे मोहताज नहीं वक्त साडा मोहताज। हैदरी असी वक्त दे मोहताज नहीं वक्त साडा मोहताज। भाई पंजे का मकसद के अजीम मजमाए कहते हैं आजादार से अब्बास बहादुर कुछ मांग
के अब्बास सखावत पे तुला है। कुछ मांग के अब्बास बोलो सखावत पे तुला है। मौलो कोई वक्त फलमदन मखसूस मखसूस कोई वक्त नहीं मेरे करम का जिस वक्त भी मांगोगे मेरा हाथ खुला। अल्लाह तो जिंदगी दराज कर। आओ बिस्मिल्लाह। अजीम मजमाए भाई अली रजा दी एक फरमाइश है। आओ एक रुबाई जड़ी है ना बड़ी मदद तो मैंने पढ़िया लेकिन दुआ कर उन पढ़ी बंजे। इराक च एक बंदा पिंड का सरदार मर गया ते उस वसीयत की थी वह मैंने दफन कराया है नजफ। लेकिन अंदरों चंगा नहीं अपने मजावर नू अमीर कायनात ने फरमाया कि नींदर छोड़ दे नजफ ते बन्ने ते वंज के बह वंज एक मैयत आ रही वो अगर दाखिल हो गई नजफ च तेरी नौकरी खत्म। उस दफन नहीं होने देना मालकां दा हुक्म ही चला गया। काफ़ी देर खलोता रहा थक के वापस आ गया। मौला मैयत नहीं आई तो मैं तैयार हाँ जो तुस हुक्म दिते ताबीलो सी। फरमाते नहीं लफज बदल दे मैयत आ रही है मोटा भी दे कबर भी आप बना कबर चलहा भी आप। मौला होया के उस बंदे दे बारे तो सब फरमाया बे इत दफन हो वे हुन फरमा रहे हो कबर भी खट दफन ही आप करते जा मैयत नू मोढ़े दे। सुभान अल्लाह। अमीरे कायनात फरमाते हैं कल शाम तोड़ियो दो जुखिया तेथे आबाच जनती है रा नजफ दा भुल के कौम दी रहा करबल ते टुर गई। अच्छा मौला वो जो राह भुल के करबला दे पासे गए निजाम बदलिया कि में तवज्जो भाई रा कर बलते टुर पई। अली फरमा दिन मेरे पुत्र दे शेर दी मेरे पुत्र दे शहर दी धूल उड़के कफन उते वांज पईए उस धूल दे बदले रब अकबर उंदी हर गलती बख्श। सुभान मोहम्मद दीदी तो वस्ते रखे मेरा दिल लदा इस बादब माहौल जनाब हजरत अबू तालब की शान का एक शेर पढ़ा अबुल आयमा दा अबुल आयमा दा
बाबा जी मैं शर्ता कसर रवे अगले साल तक ना गल मैं बड़ी वड्डी कर गया ते लाजो रख सन मैशर तक असर रवे मैशर मैं उन्होंने मावां दा मशकूर हाँ जिन्हें तुहानू उंगल नाल ला के दरबारे बतूल च जिस तुहानू झोली च बहा के अली दा तारफ करा जिन्हें झोली च बहा के तुहानू हुसैन दा मातमी बना सब तो पहली दरसगाह माँ दी झोली बड़ा मजा आ रहा है गल करन दा तुहाडे सुनन दा जनाबे हजरत अबू तालिब अलैहि सलाम दी शान दा शेर पढ़न लगा मैं शर्ता कसरा सी अल्लाह उन्हां आवाज़ां ते राम फरमावे जिहड़ियां अली दे हक च बुलंद होंदी अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व लो जी ज़हन तैयार करो मैं शेर पढ़ने लगा फिशारे फिशारे कब्र का डर है तो इनसे बुग्ज न रख जेड़े बंदे बोल सकते हो जरूर बोला फिशारे तू कोई स्टील का बने तू मरने नहीं फिशारे कब्र का डर है तो इनसे बुग्ज न रख क्यों जमीन के बाप का भी बाप है अबू तालिब सब बोलो अली हक अली हक हाजर जना फिशारे फिशारे कब्र का डर है तो इनसे बुग्ज न रख जमीन के बाप का भी बाप है अबू तालिब। एक शेर अमीर कायनात दिशा जैन तैयार होने एक शेर अमीर कायनात दिशा मिलती नहीं जहां में अली की मिसाल भी मिलती नहीं जहां में अली की मिसाल भी हमने तो ये सुना था खुदा बे मिसाल जी रहो मिलती नहीं जहां में अली की मिसाल भी हमने तो ये सुना था खुदा बेमिसाल खुदाई अली तेरी खुदाई वाले तेरे हैं खुदाई अली तेरी खुदाई वाले तेरे हैं खुदा के कारखानों को चलाने वाले तेरे हैं या अली हम तो तेरे हैं जहन्नम के लिए और तो तेरे हैं जिंदे रहो मैं उस शहनशाह की अजमत का कसीदा पढ़ने लगा जिसन पैगंबर आजम ने आख्या जो हसन तेरे तो वड्डा अमीर कोई बहुत बड़ा अमीर है जिसन पैगंबर आजम पे आदम ठीक है असल ना खैबर खंदक ते हिल गए वो सारे बंदे जितने थोड़ी खैबर खंदक न पड़ी है तो सहलना ही नहीं ठीक है शाबाश सही हाजर जनाब सलवात बा जमात अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद बगैर तशरीह तो मैं कसीदे पढ़ने लगा ज्यादा मेहनत उत्थे करिंदी जिन्हां नूं सुनन दी अटकल न हो जिन्हां दे बच्चियां दी गिज़ा दा नां अली ए मैं कितनी तशरीह करां
पढ़िए जी, इजाजत है। चल ईद है खुल्द की वादियों में, 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 ईद है खुल्द की हैदरी, ईद है खुल्द की वादियों में, हर तरफ नूर सा छा गया है, ईद है खुल्द की वादियों में, हर तरफ नूर सा छा गया है, हर तरफ नूर सा छा गया है, से नजारा में इमरान बन कर, से नजारा में इमरान बन कर, आज मौला हसन आ गया, वाह मलंग वाह। तुसा जी ओ दुआडे बछड़े जीवन सेने जहरा में इमरान बनकर आज मौला हसन आ गए। शाह जी गुंगा बंदा बहा मजलस, एक बारी बोले सी मैं शेरों पढ़ना, मेरी जाकरी दी वजह तो नहीं करबला लंदे करम दी वजह, ये ओ खानदान है जेड़ा पत्थर नु जुबान अता करे। इमाम हसन अलैहि सलाम दा जहूर होया, अमीरे मुमकिनात ने पुत्र नु झोली च पाया, जागदे बैठे अमीरे मुमकिनात ने पुत्र नु झोली च पाया, कुर्सी ते बैठ हाशमिया दा सरदार हाशमिया दे डेरे ते बैठे, गली चो बंदे लगे वफत बना के, सलमान नु आदन सलमान समझ नहीं पी आती ये कुर्सी ते अज कौन है ते झोली च कौन, तू जिवें जानदा इंज कोई नहीं जानता। वेखो जाकरी दा एक म्यार होंदा, तनकीद दा नां जाकरी नहीं तारीफ दा नां जाकरी। उन्हें आखिया सलमान जिवें इस घर नूं तू जानना है इंज कोई नहीं जानता। हुण सवाल हो सकदा बे जाफर तो यार बंदे बड़े फिटे होए हन बे जिहड़े वेदे भी 45 दिन सन पता नहीं कौन है, नहीं गल उन्हें सही की, जी गल सही हो मनो पुछो क्यों कि सरदारे मलैका हजरत जबराइल कोई कितने हजार मरतबा दरवाजे बतूल ते आया है, लेकिन जदा चादर है तो तहीर थले बैठे नो जबराइल भी पुछद मालिक मैं पूछ सकता चादर थले कौन है, यार मैं पूछ सकता कि चादर थले। अजीम मजमाए उन्हें आख्या सलमान मोहम्मदी इतनी खुशी असा मदीने नहीं दिखी जी अज बेते कौन है झोली च कौन कदा बोलन दरख्तों के पत्ते बोलन। मैं वो शेर पढ़न लगा, कुछ बंदे नू अपनी चुप ते माण है मैंने बतूल दे पुत्रां ते माण, हर बंदा अपना मान अजमावे ठीक है। सलमान जी ये कौन है कुर्सी ते कौन है झोली च कौन है इतनी खुशी क्यों है। एक याद रखो शेर मैं पढ़न लगा, जेड़ा बंदा चुप रह गया तुसी मैंने पे वे दो मैं तुहानूं पे वे, जेड़ा बंदा ढिला पिया ये शेर पढ़ सन मैं मिंबर तो लै के उहदा मोढा नप के आखसा इस मां ए फहम। मेरे ख्याल इस पिंड च मरदा कोई नहीं तुहानूं पता ही कोई नहीं,
इसमा इफहम सुन ते समझ। अच्छा चलाकी वेखो मौलवी दी कि जिंदगी च मौला अली दे नां तू सड़दा पिए जदा बंदा कबर च पहलांदा है प्यादा इसमा इफहम समझ अली तेरा इमाम है अली तेरा इमाम है। चलाकियां वेखो तुसीं अजीम मजमाए सलेमान जी ये कौन है जोली च कौन इतनी खुशी मदीने दिठी नहीं। सलमान मोहम्मदी मदीने दे लोगों ने बुला के फरमा रहे केड़ी गल जश्न हसन है आज का उनवान दोस्तो जेड़ा अली दे पुत्रां दी खुशी च भी खुश नहीं उस लैणा के बद नसीब खुशी ते बंदा वंजे ते कुछ न डीवे व जमया क्यों है तो सांझी ओ द्वारे बचड़े जीवन जश्न हसन है आज कौनवान दोस्तो जश्न हसन है आज कौनवान दोस्तो जश्न हसन है आज कौन मदीने वाले पूछा कौन है फिर आखो जश्न हसन है आज कौनवान कौन दोस्तो कुरान की है गोद में कुरान दोस्त कुरान में मोहम्मदी में है वजदान दोस्तो बज में मोहम्मदी वजदान दोस्तो कर लो सभी बहिश्त का सामान दोस्तो कर लो सभी लो जी मैं शेर पढ़ने लगा पक्के हो बब्याए कदई बोलन दरख्तन दे पत्ते बोलन उना कैडी खुशी क्यों है सलमान दास तो सही कसामान दोस्तो कर लो सभी बरिश्त कसामान दोस्तो जश्न हसन है मोहम्मद की दोहा जश्न हसन है मोहम्मद की दोहा जो खुश नहीं है आज वो बंदा यजीद अली हक अली हक हूं ना उठे तू शगरे दे बंदे आखना साहब बुलाया ना मेरा बचड़ा असीब जे जाकर नहीं जींदा रहो बसदा रहो मौला बख्त लाग आओ जी आगा सर आओ आओ मेरे बच्चे या अली रहमत या अली पुत्र नहीं पोतरे सरदार वसीम अब्बास का बेटे शागिर्द मोहम्मद दीदी बहुत वक्त लावे बहुत अच्छा जाकर है गुंजाइश एक शेर पढ़ ली पूरा जहान मेरे नाल आ दे बतेरा है ते तली ते रख दे तेरे जाफर ते यार मैं जिहड़ी सत्र अगली पढ़न लगा ना मैं पूरा जहान उस सत्र तो वार दे दलेरी वेखो ना भाई दलेरी नहीं ब जहान जो लब्बे तो बण मेरा मंजे तो मैं आख ए हो गया इस शेर दी सत्र तू तवज्जो जी सलमान ने मोहम्मदी आख्या मदीने दे लोक आख्या सलमान असी जम्मे पले मदीने आ ना असा इतनी रौनक दिठी ये अज अली दा घर लगदा ही नहीं
ये जिहड़ियां आवाज़ां पै सुणदे आ ये फर्श दी आवाज़ां हैं नहीं नहीं ए होया क्या है मावां दियां झोलियां चो सुनन लगे हो मौला दा जिक्र इमाम हसन दा कसीदा हर बंदा पढ़दे ही नहीं मुश्किल तरीन काम नेड़े ही नहीं वेंदे बखैबर ते सारां दा झाका लथ होया उन्हूं पता बाबा जेडा भी पढ़िया नारा लगना ही लगना मौला ने काम ही जो सोने किते बेकदरिया लोग नहीं पे पढ़ता सलमान ये मदीना लगता ही नहीं होया के लो जी एक एक सतर ते शाह जी दिलो दुआ निकल सी सलमान होया के मदीना नहीं पे लगता सलमान मोहम्मदी खड़े हो गए मदीने दे लोगों ने बुला के फरमा रहे केड़ी गल उतरा हुआ है अर्श मौला अली के घर है, है, है। मौला रंग लावे अल्लाह बख्त लावे हाजर जी बेटा हाजर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मैं तो अंदाज देना यकीन समझो तुसा हक अदा कीते देखो जाकर मेहनत करे तो बंदे काबू आवन वत गल तो नहीं ना बनते अजीम मजमाए जेन तैयार हो मिनट मदीना लगता ही नहीं सलमान होया कि ऐसी खुशबू ऐसी महक ऐसा माहौल मदीने च बने ही नहीं सलमान मोहम्मदी पया दिन केड़ी गल उतरा हुआ है अर्श मौला अली के घर उतरा हुआ है अर्श मौला अली के घर तकसीम हो रहा है तवल्ला 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 अली के घर तकसीम चौथी सतर ते तवज्जो अकीदे वाले बंदे अकीदे वाले बंदे नु दावत पे देना फिर आखो तकसीम हो रहा दो सतर त्रीजी सतर सुनो ते चौथी सुन तकसीम हो रहा तवल्ला अली के घर देखा गया है रब का तजल्ला अली के घर या को तूर ते आई ते या अली दे वेड़े चाहे देखा गया है रब का तजल्ला ताजो आया हसन के जश्न में अल्लाह अली के घर जी दे रहा सुभान अबा मलांगवा जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह ये बड़ी दाद है जी करोड़ों की अरबों की दाद है जी सुभान अल्लाह तुसा जी ओ द्वाले बचड़े जीवान ना कह सलमान होया कि मदीने तुसा भाई मौला दी खुशी इंज कीती जिवें करन दा हक है खाली कोई बंदा ना वैसी रसूल दे पुत्र दा बेटा कमाल है मैं क्या रसूल दे पुत्र दा कमाल सोने दा मुकद्दर चंगे होन ते अली इमाम होवे ना बंदा मिट्टी च आवे सोना बन हैदारी अजीम मजमाए सलमान मोहम्मदी पे फरमाते हैं उतरा हुआ है अर्श मौला अली के घर तकसीम हो रहा है तवल्ला अली के घर देखा गया है रब का तजल्ला अली के घर आया हसन के जश्न में अल्लाह अली के घर आया हसन के जश्न में अल्लाह अली के घर सजदे में आज भी नफर और रसूल की सजदे में आज भी नफर और रसूल की सिदरा बनी हुई थी हवेली बतूल की
क्या करके नारा हैदरी। अच्छा या अली रंग लाए लंगर है लंगर जे जे बिच पा तो साजी ओ तो ने थोड़े जो कोई होंदा तो तुसा मेंट ना ही लाणा मलंगे ने जी। अच्छा बाबा जी गल सुनो कि पाकिस्तान जेड़ा रस्म रिवाज या कानून है ना जी कीमती चीज़ां जेवर पैसे हीरे जवरात लाकर च रखी दे लाकर च बैंक च लाकर होंदा उदी सालाना फीस होंदी 6-7 हज़ार रुपये कीमती चीज़ां उत्थे रखी दी पाकिस्तान दे बैंक च। नजफ गया ते निज़ाम उल्टा ही उत्थे मैं लाकर डिठे तो डिठा भाई कीमती शै केड़ी ता पता लगा भाई अली दे नौकरां दी जुतियां लाकर च पईआं कितना मकाम है अली दे शिया दा। ओ मेरा अली है मौला अली है पूरे कुरान दे खत्म दा सवाब है हैदरी बाबा सजाद शाह शुमारी आला मुल्क दा बड़ा वड्डा वाकर मैं अलीपुर चिट्ठे पेपर दास से कसीदा शुरू किया उन्हें मेरे बाद पढ़ना है इतना वजदा है मोमिनीन तजाकिरन बाबा सज्जाद शाह खलोगा मेरे नाल खलोगा दे मैं ही तन पढ़ा ना रल के पढ़ दे मेरा ख्याल है तुसी भी रल बन जाओ तो सारे आखो मैं जो प्यार है मेरा अली है तुसी भी पढ़ो लोगन पद मेरा अली है कुरान दे खत्म दा सवाब है सारे पढ़ो भाई मौला अली है मेरा अली है मौला अली है काबे च आया जै बुत कदा को किबला बनाया मेरा तुसां जी ओ दुआले बछड़े जीवन जेडे बंदे मसीह त्यात रखी बैठे भेरे वाले नाल नहीं बोल खुदा दी कसम जिंदगी चलाकी नहीं की इमाम हुसैन दे जिक्र जिस इमाम हुसैन नाल धोखा किते ना पढ़न नाल है या सुनन नाल है 36 जिलियां चो दा प्यो कोल जिस हजरत इमाम हुसैन नाल चलाकी की पढ़न आला या सुना 36 जिले चो दा प्यो कोई नहीं मैं सरगोदे पे पढ़दा से एक मलंग खड़ो गया उस आके जाफर तो यार भला कर कोई जिले बता वाह पुत्रा बा मैं कदी नहीं खादे ना कदी पानी पीता मेंबर ते ते ना कदी गुड़ करके चूहे ही छोड़ गए लो जी शेर पढ़न लगा सैयद तो लैके आखिरी बंदे तक मां पुत्र ही नहीं आया मजला से चावे बोले नहीं कापियां थान देनी है बस जाकरी न करे सब शेर में पढ़न लगा रियायत नहीं इंसाफ ओए मालक ते नाज होंदे मालक ते मैं कौन हाँ तुसी कौन मैं कोई शै ही नहीं किसी दे पैरां दी धूड़ दे बराबर भी नहीं फखर होंदा मालक ते माज तण दी ये किले ते जिदा किला फसनी होवे
सन्मान मालकां दा अजीम मजमा है। लो जी शेर पढ़न लगा, रजब का महीना शुरू है ते तोहफा देन लगा। एक नबी दी मां, एक वली दी मां, वंड वेखनी वे मालक ने वंड किवें कीती। एक नबी दी मां, एक वली दी मां, जहन तैयार होवे तो शेर तां पढ़ना। एक नबी दी मां, एक वली दी मां, जहन तैयार होवे हाई मां नबी दी जड़िया के हट गई, आई मां अली दी दीवार फट गई। मौला इज्जत दे, खैर खैर कोई। लो जी अगली सतर सुनो, जिदे वास्ते मैं इतनी मेहनत की। अजीम मजमाए हाय मां नबी बुला के, सबको बुला के, सबको बुला के, सबको बुला के, रब ने दिखाया ए ओ है जिसने आदम बनाया। मुहम्मद दीदी तो वस्त्या रख मलयाली दे लोगो, जिस शहनशाह दे हत्था हजरत आदम बनाया है, उदियां धियां मुसलमाना इतना मारे है। जो पेकियां च गईयां ते सकियां फिरावा नहीं सुझाता, जे सावरियां च गईयां ते धियां नहीं सुझाता। दो दिन मलका शाम वेंदी रही सावरे घर, धियां कुरान पियां पढ़दियां, जमीन ते बह के कुरान सुनेस। वड्डी धी जनाबे अब्दुल्ला दी पुछे सवालन, तुहाडे पर्दे सलामत होवन मेरियां मावां बहणां दियां। वड्डी धी पुछे सवालन, फरमाइंदे जी हाल अल्लाह। वड्डी सही आजादी पुछया सवालन, गल थोड़े सिर तो टप गई, तुसा गल मेरी तवज्जो नाल सुनी नहीं, क्योंकि मैं जल्दी गल कर दी है ना, तवज्जो करो। सवालन जी, कोई हुक्म है तो कर। क्यों? बाबा आ गए ना बाबा, ते उन्हां दा हुक्म है जो किसे सवालन नूं ज्यादा देर बूहे तो नहीं बहो। भाई खानदानी आजादार बैठे हो, हथियार नहीं होंदा, लफ्ज आउंदे रोवण वास्ते। साढ़े बाबे अब्दुल्ला दा हुक्म है कि सवालन नूं ज्यादा देर नहीं बहोना, जो होवे उन्हूं दिओ। बीबी आदि पहली गल तो मैं मंगण वाली नहीं, ते आई क्यों है? बीबी आदि तुहाडा कुरान सुनया है, मैं चंगा लगे। कुरान तो साइडा सोहना पढ़िया है ना, जिहड़ी गल मैं लैके आई अस मैं छोड़ दित्ती।
बड़ा सोहना कुरान पढ़िया ने औलादे बतूल बैठे हो सत्तर सुना है जद आख्या से ना तुहाडा कुरान बड़ा सोहना लगा है। मलयाले दे लोगो मावां बहना दिया मेरे जवानों अजीज़ बुजुर्गो दोवें बच्चियां पलंग तो लै आईया एक माँ दे सज्जे बह गई हाथ च कुरान ते इंज बीबी दे चेहरे दे नेड़े चेहरे करके आ देना है बीबी साड़ा कुरान सुन के खुश होइए। अफसोस अगर तू साड़ी माँ दा कुरान सुनया ना बीबी आदि तुहाडी माँ किथे बच्चियां रो के आदि नरवा सुने शाम टुर गए भाई दुआ मंगो मकबूल मजलस है शाहजी मकबूल मजलस है हर अख दा वजू हो रहा है एक दुआ मंगो बशाला किसे दी धी दुखी ना हो पुत्र औखे हो ना जी पुत्र माँ प्यो दी निभ वेंदी धी औखी हो ना धी माँ प्यो जींदा मरवे धी आवे ना पेकी हवेली च सजी उंगल नाल पुत्र हो सी खबी उंगल नाल धी हो सी नानकी हवेली टुरदे वदे हो सन ओए हाल बहन मिल सी भेण जी किवें जिंदगी दे दिन गुजर रहे पहले पुत्र दो वेख सी वधी दो दिल की गल ना करे सी सर झुका के आख सी बहु सुखी हाँ जरा जोड़ियों च पुत्र नहीं वह बंदे दुआ मंग लै हुसैन द मोहर अला दा कहना चौथी पुश्त शब्बीर की मदाखानी च चौवी मरतबा का जवार हाँ भैन तो बिरावान का मैं दुआ पे मंगदा इस मजलस अल्लाह तुहान जितने साड़ियाँ धियाँ बैठियां मावं बैठियां बुजुर्ग बैठे जवान बच्चे अल्लाह तुहान ज़ियारत कब्रे हुसैन करावे बिरा मिलसस भेण जी भाई मेरी भैन जिंदगी दे दिन किवें गुजर रहे सर जिक्का करके आखसी थोड़े पुत्रां दे शहरों में कोई बैठे टुर गया मैं तसन्नो बनावट वाला जाकर नहीं हाँ जो आसी जिसते मलका शाम दी मोहर मैं पहले आखे खबरदार हुसैन दे नाल कोई बंदा धोखा ना करे हुसैन ना मेरे पढ़न दा मोहताज ना तुहाडे सुनन दा मोहताज शाह जी मैं उसे जाकर कोई ना आज तो 50 साल पहले की गल है एक मलंग आउंदा ही साढ़े महल्ले गली च पट कपड़े पैरां जुत्ती कोई ना ते दो बंद पड़दा ही एक सत्र मैंने एक बंद याद है दो सत्र दूजे बंद है एक काम जिहड़ा मलंगा कीते ने तुसीं असीं नहीं कर सकते विच मुनकरां दे घर भी आउंदे हन गली च आउणा ते उस मलंग इक डोड़ा पड़ना कि उंदी लाश ते इतना जुल्म होया खुद जालम जुलम तू रज गए मादी अल्लाह बहु वक्त लावे ये आज तो 50 साल पहले दी गल उंदी लाश ते इतना जुल्म होया खुद जालम जुलम तू रज गए एक बंद पड़दा ही उंदी दो सत्रां मैनूं याद है ओ वत जाकरी च मैं राज कीता ओ गलियां च पढ़दा ई ते अपनी तबलीग करदा ई जाकरी च मैं वत राज कीता पूरी दुनिया च बल्कि वर्ल्ड च पाकिस्तान च नहीं यूरोप दे मुल्कां च बरतानिया च पढ़े ओ बंद केड़ा ई ओ भी मलंग फट कपड़े पैरां जुत्ती कोई ना रोंदे ही वतना ते पढ़दा के पढ़दा ई तू मालिक कुल दरियावां दी मैं पानी मंगदा रहा क्या हकीकत है क्या
क्या हकीकत है झाकरी छे जिंदा रहो तू मालिक कुल दरिया क्या लोग आन अल्लाह की कब्र ते भी राम तरह भाई जी थोड़े पुत्रां दे शहरों में मैं बड़ी सुखी हाँ प्यू मिल सी बेटा मैं तेन बड़ा औखा पाले मेरी धी जिंदगी किवें गुजर रही बाबा थोड़ी दुआ नाल पुत्र तो भी वेख सी धी तो भी वेख सी भाई समझदार मजमे प्यू दे पासे वेख सी बाबा थोड़ी दुआ नाल मैं सुखी हाँ सुखी मलयाले दे लोगो हजारा का मजमा है कसम है रसूल दे पुत्रां दी जिदा दीद पहुंचा सा ना मां ते पुत्र ही छोड़ दे सी धी छोड़ दे सी मां दे गल लग के आखसी अम्मा मैं वड़े दुख डिठे वाला ये नाने दे रोजे ते रसूल पुछे ज़ैनब किवें जिंदगी दे दिन गुजरे बीबी आदि न पुछ तबित फरमाते नहीं मैं तेरी माँ बतूल द भी बाबा मैं पुछता मैं दस लो भी गल तवजो नाल सुन सो इबादत पूरी होवे छी पहली सत्र ते ज़ैनब जी नाना मेरा बेटा कोई गल्ला सुना करबला कूफा ते शाम पहली गल मकतल दी सुनाई ते साह कढ़िया मैं जाहिल बंदे च नहीं पे पढ़ता दुनिया चंद ते टुर गई जमीन न मलो पहली गल मकतल दी सुनाई साह कढ़िया दूजी गल कूफे दी सुनाई बस साह कढ़िया त्रीजी गल बाजारे शाम दी सुनाई है तो वह झण पई फिजा तलियां मल के आदि है नाने नाल पई बोलेंदी है ज़ैनब संभल के नाने दस तुसा हक अदा किया आजाद मुर्शाजादी नाने नाल गल पई कर दी संभल ते नाने दस रसूल फरमाते हैं बेटी ज़ैनब जी नाना मेरी धी तू साहिबे नाजुल बलागा दी धीए तेरे प्यो ने फरिश्ते ने बोलन दसे मेरी धीए कोई तरीका नहीं गल करन दा त्रै गल्लां कीतियां नहीं तां साह कढ़ कढ़ के साह कढ़ कढ़ के गल्लां कीतियां नहीं मैं पूछ सकदा इंज क्यों कीते है बा ए भाई सन नप रखा है तुसा दियां बैठियां अल्लाह शर्म हजार बा इत्थे हाथ रखो इत्थे बह जाओ बह जाओ इत्थे मेरी धी त्रै गल्लां कीतियां नहीं ते त्रै साह कढ़े नहीं अलामा वजीर अदर साहब रहीम यार खान आले बहुत बड़ी हस्ती आई बहुत हस्ती जिधर डायरेक्ट राबता ही कायम आले मोहम्मद पूरी जिंदगी न्याज नहीं मुकाई आना डे ले लई दुआनी डे ले लई थकी नमाज शब पढ़ने वाली हस्ती उन्होंने जुमला में पढ़ने लगा अलामा वजीर अदर फरमा दिन कि रसूल पया दिन त्रै गल्लां कीतियां नहीं त्रै साह कढ़े इस दी वजह तो दस नाने दे पैर च बह गई नाने दे पैर चुम के पया दी मेरी सेना दी तेरे पुत्रा तू वाद जख्मिया ते हिक दर्द नहीं लहदा हां तू ओ तेरे उमतियां मारे ऐ राज राज के हाथ बन के आउन हा
हाथ नाल इन तमातम कर लो। नौकर हाँ बाबा जी, पूरी जिंदगी मां साहेब सुनने बीबी आदि तेरे पुत्रा तू वाद जख्मी एक दर्द नहीं लादा हां तू तेरे उमतियां मारिए राज राज के हाथ बन के आन। हो अल्लाह इन्हां नूं बर्बाद करे, हो जिन्हां मोहम्मद दीदी नाल ज्यादती की थी, हो उन्हां दी नस्ल दे हाथ टुटन जिन्हां बीबी जैनब नाल ज्यादती। नौकरां बा ओ तेरे उमतियां मारे ए राज राज के हाथ बन के आन। भाई बार बार ना आखो, मैं एक सत्र मैं पढ़न दे जरा मैं सुनाना चाहना। नाना इजाजत दे मैं उदी कबर ते वैनिया जड़ी दुख सुनन दी आदि जिस दुख पालन। हां बेटी लगी वन, लो जी एक मिनट मेरे पास वेखो। जन्नतुल बकी चाहिए माँ की कबर नाल सम पई अबू तुराब दी धी, कबर दी मिट्टी चुमकिया दी अम्मा तू त्रै घंटे खड़ी आवे धी 72 घंटे खड़ी अम्मा तेरे दरबार शराबी कोई ना, मेरे दरबार शराब पींदे रहन तेरी धी खुतबे पढ़ कबर चू आवाज आए जैनब तेरा फातिमा ते एहसान अपने पुत्र दे के मेरे प्यो दा दीन बचाए। भाई एक मिनट हौसले नाल रोवो नहीं ते गल मेरी सुनो ते वत हर बंदे दी इबादत होवे। माँ दा सलाम कीतस, अम्मा इजाजत दियो ये नाल मेरे भाई हसन दी कबर है, अगर इजाजत होवे तो मैं जल्दी जल्दी सलाम कर लव। हाँ बेटी कर लो। बिरा दी पवांदी खलो के जख्मी चेहरे ते जख्मी हथ रखे पुत्रा मोई दा सलाम। 18 बिरावां दी बेवारस बेण दा सलाम, जिसदा एक बिरा होवे ओहदी तक नहीं पौंदी जमानत। शाम दी कैदन दा सलाम। भाई रोना नहीं, एक मिनट मेरे पास वेखो बात हर बंदे दी इबादत हो सी। हाथां इत्थे पूरा मदीना हले, मजार फट गई, इमाम हसन दी अखां खुलियां, जल्दी दे नाल हाथ थले कीते, आस्तीन दे बटन खोले। एक गिसनियां लोक आईयां, इमाम हसन फरमाइंदे ने पाईयां जवानी लहाईयां कायन बीबिया दी मज़मूम बिरा मरिया कैदिया कड़िया आपे थक थक के लह गईया बेगैरत शाम दया लोगा विच मैं पैदल। अल्लाह इस इबादत में कबूल कर। ये थे